आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक पुलिस थाने पर आतंकी हमला हुआ। एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए, लेकिन तीन जवानों की शहादत की कीमत पर। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि कठुआ में आतंकियों का एक गुट और छिपा हो सकता है जो दूसरे हमले की फिराक में है। जम्मू कश्मीर के आसमान में आतंक के मंडराते बादल आज भी बरसे। आज सुबह कठुआ का राजबाग इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जब आतंकवादियों ने पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने अपने तीन जवानों की शहादत देकर दो आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी जो गोलाबारी है वो उनके साथ चली तकरीबन तीन घंटे साढ़े तीन घंटे। उसके बाद हमने दोनों जो इनके फिदाइन हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है। वी हैव किल्ड बोथ द मिलिटेंट्स। इसके बाद हमारी जो अपनी कैजुअल्टी है उसमें सीआरपी के हमारे दो जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक हमारा जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो लड़का है वो शहीद हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने अर्धसैनिक बल के जवानों की वर्दी पहन रखी थी और एक गाड़ी का अपहरण करके उसी से पुलिस थाने पर धावा बोला। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट घुसे हुए थे, ये जो इलाका है, जो सामने वाला इलाका है, ये सामने एसएचओ का कमरा है, इसके अंदर फायरिंग चल रही थी। पिछले साल 1 जनवरी से 26 मई तक यानी मोदी सरकार आने से पहले जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले में दो नागरिक मारे गए, जबकि सेना और अर्धसैनिक बल के 7 जवान शहीद हुए। इस दौरान 19 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद अब तक 15 नागरिक आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना और अर्धसैनिक बल के 26 जवानों ने शहादत दी तो 55 आतंकियों को मौत के घाट भी उतारा गया। केंद्र में मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ चल रही मुफ्ती सरकार, विपक्ष ने संसद में इसी बात पर सरकार को घेरा। अश्विनी कुमार, कठुआ, आज तक।